देखिए मेरे पास में कम से कम 600-700 क्वेरीज आई कल YouTube से। जो क्रिकेटर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि गति जो है वो 140 के आसपास ही कैसे लाई जाए। कुछ मैं बेसिक बात करूँगा आज इस अपनी वीडियोस के अंदर, इस वीडियो के अंदर। नंबर वन, देखिए सबसे पहले जो है ना ये डिटरमाइन करना पड़ता है कि आपके पास गॉड ब्लेस टैलेंट कितना है, नेचुरल एप्टीट्यूड कितना है। वो कोच डिसाइड करता है, वो एक टॉप क्लास जिसके पास वो ज्ञान होता है ना वो पकड़ लेता है, वो जज कर लेता है कि इसको स्विंग बॉलर बनाना है या पेस की तरफ बढ़ाना है। एक बात, दूसरी बात, ये साइंटिफिकली या मेडिकली ये जज करना पड़ता है या टेस्ट कराना पड़ता है। बहुत एडवांस हो चुकी है क्रिकेट, आप लोग अवेयर भी नहीं होंगे इन सब बातों से। वो क्या कि बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो जो है दो तरह के मतलब सेल्स जो है बॉडी के अंदर जुड़े रहते हैं। एक तो होता है जो मैं क्रिकेट की बात, जो स्पीड, जो एजिलिटी, जो चीज़ें इंप्रूव करती हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू जो सपोर्ट मिलती है, वो कैसा, वो है बॉडी के अंदर स्लो ट्विच और फास्ट ट्विच, ये फाइबर्स होते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि वो लड़का जो फास्ट बॉलिंग करना चाहता है वो फास्ट बॉलिंग कर सकता है या नहीं कर सकता। ये कोच टेस्ट कराते हैं। आज तो बहुत एडवांस है, मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है, तो इसमें ये पुष्पेंद्र है, इसमें ये पता लग जाएगा कि इसके अंदर फास्ट ट्विच है, परसेंटेज ऑफ फास्ट ट्विच जो है वो उतनी है कि जो वो उसको सपोर्ट कर सके तेज गति की गेंदें फेंकने के लिए। ऑल्दो सपोर्ट तो फूड की होती होती है, प्रोटीन, विटामिन्स, आपका जो कार्बो है वो तो आवश्यकता है ही, डाइटिक फाइबर्स हैं, मिनरल्स हैं, वो आवश्यकता तो है ही, वो सपोर्ट तो है ही। बट इनिशियली आपको ये डिसाइड करना होता है, कोचिस को देखना होता है, जो इतनी सारी इंक्वायरीज आई मेरे पास में कि हम तेज गति गेंद, अरे सबको नहीं बन सकते बेटा तेज गति की गेंदबाज, नहीं बन सकते, सारे शोएब अख्तर जैसी तेज गति की गेंद नहीं फेंक सकते, सारे के सारे जो है वो ब्रेटली जैसी वो तेज गति की गेंद नहीं फेंक सकते। दे आर क्रिकेटर्स ऑल्सो, जो प्रवीण कुमार, उन्होंने भी हिंदुस्तान खेला ना, उन्होंने भी देश के लिए, या यान गौतम बहुत ज़्यादा तेज गति की गेंदबाज नहीं थे, तो वो कितने सक्सेसफुल हुए, कितना ज़बरदस्त उनका कंट्रीब्यूशन रहा क्रिकेट को अपलिफ्ट करने में, इंग्लैंड को अपलिफ्ट करने में, क्रिकेट कहाँ से कहाँ तक ले जाने में उन क्रिकेटर से कितना बड़ा योगदान है। तो ये डिसाइड करना पड़ता है, कोचेस को देखना पड़ता है कि प्लेयर के अंदर स्लो ट्विच कितने हैं और फास्ट ट्विच कितने हैं, उसके अंदर एग्रेशन कितना है, उसके अंदर कंट्रोल कितना है, उसका एटीट्यूड कितना है, वो उसकी फूड हैबिट्स कैसी हैं, तो सारी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती है। तो मैं अपने यूट्यूब के व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं हर जगह नहीं आ सकता या हर बच्चे को नहीं बुला सकता, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये पुष्पेंद्र जो है ये तेज गति की गेंद भी कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो फास्ट ट्विच है वो है, बट एटीट्यूड एक प्रॉब्लम है, एटीट्यूड उस तरह का नहीं है, वो एग्रेसिव नहीं है उस तरह का, जो 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 रनअप के अंदर सबसे पहले आता है क्या है, ग्रिप करने के बाद में बॉल को वो रनअप आता है, आपका रनअप कैसा है, रनअप के अंदर स्प्रिंट कैसा है, स्पीड कैसी है, उसके बाद आपकी जंप कितनी स्ट्रांग जंप है, उसके बाद आपकी लैंडिंग कितनी स्ट्रांग है, आपकी मूवमेंट्स कितने स्ट्रांग है, आपके लीवर्स कितने स्ट्रांगली वर्क करते हैं, आपकी हेड पोजिशन कैसे रहती है, आप टारगेट की तरफ देखते हैं नहीं देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ होती है जो प्रैक्टिकली जो ग्राउंड के ऊपर आके, जो हम राज के साथ में आज काम कर रहे हैं, वही हमने के उपाध्याय के साथ किया, वही अक्षत पांडे के साथ किया, वही अमित गौतम के साथ किया, जो प्लेयर बनाने की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, तो वो जैसे कृष्णा बच्चा है उसके साथ में काम करते थे, लेट्स सी कि उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट रहे। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि फास्ट ट्विच का होना, बॉडी के अंदर एक एटीट्यूड का होना, पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत आवश्यक है, तब जाके आगरा शहर ने दीपक चाहर और राहुल चाहर जैसे प्लेयर दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ जो भी कोचिंग सेंटर्स हैं वो पॉजिटिव हैं, ऑल्दो थोड़ी बहुत ईर्ष्या उस तरह की रखते हैं, बट वो गलत होती है, वो नहीं रखनी चाहिए। बहुत सारा क्रिकेट का भला हो सकता है, क्रिकेटर्स का बहुत भला हो सकता है, आगरा के क्रिकेटर्स का, आगरा कमिश्नरी की मैं बात अगर करता हूँ तो बहुत भला हो सकता है। तो मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि आप ये डिसाइड करें आपके अंदर गॉड ब्लेस टैलेंट है या नहीं है, ये कोच बताता है, वो कोच जज करता है, कोच का क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है, उसका खुद का एक प्लेयर होना बहुत आवश्यक है। तो आप ये डिसाइड करें कि आपको कहाँ क्रिकेट खेलनी है, कैसे सीखना है, क्या करना है, बहुत सारी बातें आपको जो कोचेज जो है ना इतने अनुभव के आधार पर वो बता जाते हैं, लेकिन आप पकड़ नहीं पाते। तो पुष्पेंद्र को मैं बहुत बताता हूँ कि यार एटीट्यूड अपना क्विक रखो, एजाइल रहो, यू कैन डू द वंडर्स, ऑल द वेरी बेस्ट। बट मेरी ये सलाह है कि आप एक अच्छी प्लेस पे क्रिकेट खेलें, अच्छे इंसान बने, दिस इज़ यू नो रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी। ऑल द बेस्ट टू यू।